नमस्कार, मैं प्रिया। आज 16 सितंबर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से शुरू होगा नामांकन। बिहार की दो महिला खिलाड़ियों का भारतीय रग्बी टीम में हुआ चयन। पितृपक्ष मेला नहीं लगेगा, लेकिन गाइडलाइन का पालन कर लोग कर सकेंगे पिंडदान। बिहार में नल जल योजना का काम इसी महीने करना होगा। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। तीसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से शुरू होगा नामांकन। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां लगातार जारी है। इसी बीच आज से तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं बीते दिन ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तीसरे चरण में कुल मिलाकर 35 जिलों के 50 प्रखंडों में चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो कुल मिलाकर 76,279 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है, जिसमें से महिलाओं ने बाजी मारी है। क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें और पुरुषों की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला है, जिसके तहत 36,111 पुरुष और 40,168 महिलाओं ने अपना नामांकन पत्र भरा है। वहीं 1,165 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया है। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ने निकाली 115 पदों पर भर्ती। NIOS यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ने सरकारी नौकरी के लिए कुल मिलाकर 115 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी संस्थान ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कुल 115 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। संस्थान की तरफ से जारी विज्ञापन के अनुसार कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक सहायक, EDP सुपरवाइजर, शैक्षणिक अधिकारी और अन्य पदों के योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार nius.ac.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए जारी हुआ प्रेस नोट। जल्द ही बिहार विधान परिषद के उपचुनाव का आयोजन होने वाला है। इस चुनाव को लेकर बीते दिन प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसके तहत ही प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने निर्वाची पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके अलावा धीरेन्द्र झा, उप निदेशक खाद्य पटना प्रमंडल राजीव श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता राजस्व पटना पवन कुमार सिन्हा, उप सचिव बिहार विधानसभा को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जिसके तहत ही 15 सितंबर से 22 सितंबर तक कार्य दिवस में आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल पटना में नामांकन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। लोकल ट्रेन से सफर करने वाले पैसेंजर्स को मिलेगी राहत। कोविड-19 से पूर्व मध्य रेलवे ने लोकल ट्रेनों के परिचालन की पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया था। कोविड-19 के मामलों में जैसे जैसे कमियां आती गई, वैसे वैसे स्पेशल ट्रेन को दोबारा से खोला जा रहा है। बीते दिन पूर्व मध्य रेल की तरफ से जारी किए गए आदेश के तहत पटना गया के बीच बंद किए गए दो लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है और चालू होने वाली पहली लोकल ट्रेन सुबह 6:30 बजे तो दूसरी 1:45 से पटना से गया के लिए चलेगी। इसके साथ ही 16 से 17 सितंबर में 5 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें सोनपुर पंचदेवरी डेमू पैसेंजर ट्रेन, पंचदेवरी सोनपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल, रक्सौल नरकटियागंज डेमू पैसेंजर स्पेशल, नरकटियागंज रक्सौल डेमू पैसेंजर स्पेशल, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल, मुजफ्फरपुर रक्सौल मेमू पैसेंजर स्पेशल, रक्सौल मुजफ्फरपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल समेत कई ट्रेनों को इसमें शामिल किया गया है। बिहार शिक्षक नियोजन में 632 चयनित शिक्षकों के निकले नकली सर्टिफिकेट। बिहार में चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के बीच फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जाने की खबर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान समय में बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसी दौरान जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं, जिनकी संख्या 632 बताई गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार नियोजन इकाई द्वारा 49,348 चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, जिनकी जाँच चल रही है। वहीं पकड़े गए अभ्यर्थियों को लेकर के शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जिलों में आई रिपोर्ट के मुताबिक सभी 38 में से चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जानकारों की माने तो इन प्रमाण पत्रों में 64% की जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मामले बक्सर से आए हैं, जहां 121 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। वहीं नालंदा में 63, सारण में 23, नवादा में 42, बेगूसराय में 19 चयनित अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं।
आज बिहारी वर्ल्ड मेट स्पेशल में हम बात करेंगे आशीष सिन्हा की। आशीष सिन्हा का जन्म आज ही के दिन साल 1990 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आशीष सिन्हा एक भारतीय क्रिकेटर है। उन्होंने 8 दिसंबर 2010 को राजस्थान के खिलाफ 2010-11 में रणजी ट्रॉफी में झारखंड के प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 2018-19 रणजी ट्रॉफी के पहले उन्होंने झारखंड से बिहार स्थानांतरित किया। उन्होंने 20 सितंबर 2018 को 2018-19 के विजय ट्रॉफी में 2018-19 के विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार के लिए अपनी लिस्ट की शुरुआत की थी। पटना के आयांश की अचानक बिगड़ी तबीयत। स्पाइनल वास्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित आयांश बीते कई दिनों से सुर्खियों में लगातार बना हुआ था, जिसको बचाने को लेकर बिहार में क्राउड फंडिंग भी की जा रही थी। हालांकि बीते दिन जो जानकारी निकल कर के सामने आई है, उसके अनुसार आयांश की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जिसके बाद उसे तेज बुखार और सांस में तकलीफ की परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि आयांश का ऑक्सीजन लेवल 80 के पार पहुंच गया है, जिसके इलाज में डॉक्टरों की टीम को लगाया हुआ है। अभी आयांश आईसीयू में भर्ती है, जिसके बाद अब मदद करने वाले लोग आयांश की हालत बिगड़ने के बाद दुआ कर रहे हैं। हालांकि बुधवार सुबह बुखार तो नहीं आया, ऑक्सीजन लेवल पहले से बेहतर बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आयांश को आईसीयू में ही रखा गया है। बिहार की दो महिला खिलाड़ियों का भारतीय रग्बी टीम में हुआ चयन। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर देखने को मिल जाएगा। इसी कड़ी में बिहार की दो महिला खिलाड़ियों का चयन भारतीय रग्बी टीम में किया गया है, जिसका आयोजन 18 से 19 सितंबर तक उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर 18 सेवन्स चैंपियनशिप के लिए घोषित भारतीय टीम में किया गया है। इस टीम में बिहार के नवादा की आरती कुमारी और मुजफ्फरपुर जिले की सपना कुमारी को चुना गया है। इस बाबत रग्बी एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव पंकज कुमार ज्योति ने बताया कि टीम का चयन भुवनेश्वर में आयोजित एक महीने की ट्रेनिंग के बाद किया गया। इस कैंप में बिहार से कुल 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नेशनल इंजीनियर्स डे पर सड़क पर उतरे इंजीनियर। बीते दिन देश भर में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया। हालांकि इस दौरान बिहार में इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियरों का अलग ही आक्रोश देखा, जिसके तहत लगातार हो रही बारिश के बीच जूनियर इंजीनियर ने अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सड़कों पर उतरे इंजीनियरों का कहना है कि बीटीएससी ने 2019 में जूनियर इंजीनियर के 6400 पदों के लिए विज्ञापन निकाली थी। जनवरी 2021 में काउंसलिंग की गई, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट के प्रकाशन की मांग जब अभ्यर्थियों ने की तो उन्हें बार बार आश्वासन के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हुआ। परीक्षा आयोजित किए हुए 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। हालांकि विरोध कर सरकार पर कोई खास असर नहीं देखने को मिला, जिसके बाद सभी अभ्यर्थी राजद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जगदानंद सिंह से मुलाकात की। पितृपक्ष मेला नहीं लगेगा, लेकिन गाइडलाइन का पालन करके कर सकेंगे पिंडदान। बिहार के आध्यात्मिक नगरी गया में एक बार फिर से पितृपक्ष मेले पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों की संभावनाओं और लोगों की भावनाओं को देखते हुए पिंडदान की अनुमति दे दी गई है, लेकिन इसमें भी सरकार ने सभी लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है, जिसके तहत अब जो भी लोग पिंडदान के लिए आना चाहते हैं उन्हें आने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। इसको लेकर गया जिले के डीएम ने बताया कि पिंडदानी गया में आकर पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आने वाले लोगों से अनुरोध होगा कि कम संख्या में आए। अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो बिल्कुल नहीं आए। इस दौरान बच्चे और बुजुर्ग आने से परहेज करें। गया में आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात वर्तमान में ओडिशा से गुजर रहा है, जिसके कारण ही मंगलवार को बिहार के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली। इसी तरह की स्थिति बुधवार तक प्रदेश में बनी रही। वहीं आज भी प्रदेश भर में ऐसी स्थिति बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवात उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश तक जा सकता है, वहां पर कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र में तब्दील होकर समाप्त हो जाएगा। इस बीच पटना में मौसम खराब होने के कारण बेंगलुरु से पटना आ रही कई विमानों को भी डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि अभी हो रही बारिश किसानों के लिए वरदान साबित होगी, खासकर की धान की फसल के लिए अभी की बारिश बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। जेईई मेन में सफल बिहार के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन के चौथे चरण का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद बीते दिन से जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं अब 3 अक्टूबर को जेईई मेन एडवांस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। एडवांस के आधार पर ही छात्र छात्राओं का देश भर के IIT में नामांकन होगा। एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 20 सितंबर तय की गई है। वहीं शुल्क भुगतान अभ्यर्थी 21 सितंबर तक कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी की है। साथ ही इस पर आवेदन के संबंध में पूरा स्केड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अब जेईई मेन में सफल करीब 2.5 लाख छात्र एडवांस के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बिहार में MBBS पास करने वाले छात्र सरकारी डॉक्टर बनने के लिए करें आवेदन। बिहार में MBBS पास करने वाले छात्र अब सरकारी डॉक्टर बनने के लिए आवेदन भर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया बीते दिन से शुरू हो गई है। हालांकि ध्यान रहे, ये वैसे MBBS छात्र हैं जिन्होंने बिहार के मेडिकल कॉलेज से 2020 में MBBS की डिग्री ली है। अब इन छात्रों की ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा के आधार पर 2 साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। 1 साल में 1290 पदों पर अगले 2 साल के लिए नियोजन की प्रक्रिया की जाएगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसी साल मई महीने में 2580 फ्लोटिंग पदों का सृजन करते हुए ग्रामीण इलाकों में नए MBBS पास छात्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। इन चिकित्सकों को 65,000 प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in/health पर जाकर किया जा सकता है। बिहार में नल योजना का काम इसी महीने करना होगा पूरा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। इसी बीच पंचायती राज विभाग ने हर घर नल का जल योजना के बचे हिस्से को इसी महीने पूरा करने का आदेश जारी किया है। हाल ही में जानकारी मिली थी कि पंचायती राज विभाग के हिस्से का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, बाकी काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने आदेश मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान दिया था। इसके बाद ही अब काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कहा गया है कि वो उन बसावटों का पहचान करें जहां पर नल जल योजना के तहत जलापूर्ति नहीं हो रही है। ऐसे बसावटों को नजदीक के वार्ड से जोड़ने की सलाह दी गई है। पंचायत चुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव की शुरू होगी तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। हालांकि ईवीएम और कोरोना की दूसरी लहर के कारण चुनाव का आयोजन देरी से हो रहा है, लेकिन अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 चरणों के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आज 3रे चरण के नामांकन की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सबके बीच अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत बिहार के सभी नए और पुराने 259 शहरी निकायों में पंचायत चुनाव के ठीक बाद ही चुनाव कराने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि अगले साल अप्रैल मई में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल 3 नगर निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। बढ़ेगी MBBS की 120 सीटें। बिहार से MBBS की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। बिहार में जल्द ही MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट की 120 सीटों में इजाफा होने वाला है। इस बाबत केंद्र और राज्य सरकार ने 35.67 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटों की वृद्धि की गई है। उसमें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, SKMCH मुजफ्फरपुर, JLNMCH भागलपुर और अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया को शामिल किया गया है। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत खराब होने पर सीएम नीतीश ने की बात। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का भारत से खासा नाता है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मॉरिशस का भी भारत से बेहद पुराना रिश्ता है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग मॉरिशस में मौजूद है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिश्ते मॉरिशस के पूर्व पीएम के साथ कुछ खास ही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहते भारत दौरे पर आए नवीन चंद्र राम गुलाम की तबीयत खराब बताई जा रही है। हालांकि जैसे ही ये खबर सीएम नीतीश को लगी, उन्होंने तुरंत ही उनका हालचाल लिया, जिसके बाद सीएम ने तत्काल दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की है, जिसकी जानकारी जदयू के प्रधान महासचिव KC त्यागी ने दी और बताया है कि नवीन चंद राम गुलाम की सेहत को लेकर नीतीश कुमार खास चिंतित है। राम गुलाम की तबीयत के बारे में लगातार जानकारी ली जा रही है। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बेहद ही खास थे। मंत्री श्रवण कुमार ने पंचायत चुनाव से विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ने की कही बात। बिहार में पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है, जिसके कारण कोई नया विकास कार्य नहीं हो पाएगा। हालांकि इन सबके बीच ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भरोसा जताया है कि चुनाव का असर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य पर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा। इस बाबत श्रवण कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव में उनके विभाग का कोई काम बाधित नहीं हो रहा है। उनका मंत्रालय जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। जिन योजनाओं पर काम करना है उनकी स्वीकृति हमने पहले ही दे दी है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना पर हम अभी काम कर रहे हैं और वो सारे काम बहुत तेजी से बिहार में हो रहे हैं। कल भी हमने समस्तीपुर में इसको लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। आगे भी जरूरत पड़ने पर बैठक की जाएगी। बिहार के मंत्री ने सीमांचल में हो रहे घुसपैठ के मामले में किया बड़ा खुलासा, वहीं जदयू ने दिया जवाब। सीमांचल इलाके में लगातार जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सच्चाई ये है कि सीमांचल इलाके में घुसपैठ ही आ रहे हैं, जिसकी जानकारी वहां के लोगों से मिली है। प्रमंडलीय बैठक के दौरान लोगों ने मुझे बताया कि जहां पर एक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, उनके द्वारा बाहर के लोगों को गैर कानूनी तरीके से पैसों का लालच देकर जमीन को बेचा जाता है। इससे देश की सुरक्षा पर भी खास खतरा देखने को मिल रहा है।
प्रमंडलीय बैठक के दौरान लोगों ने मुझे बताया कि जहां पर एक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, उनके द्वारा बाहर के लोगों को गैर कानून तरीके से पैसों का लालच में जमीन को बेचा जाता है। इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा है। उनका कहना है कि भूमि विवाद की वजह से राज्य के अंदर ज्यादा परेशानी जो है वो प्राप्त होती है। बिहार सरकार हालात को लेकर गंभीर है, जिसको लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। वहीं जदयू एमएलसी ने सीमांचल में घुसपैठ पर सवाल खड़ा करने वाले भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला किया है। जदयू नेता ने सहयोगी दल के नेताओं को साफ तौर पर कह दिया कि किसी के दिल में घुसपैठ है तो उसकी कोई दवा नहीं। तेजस्वी ने किसानों का वीडियो ट्वीट कर नीतीश का किया घेराव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते सरकार पर निशाना साधने का। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने किसानों का वीडियो जारी करके सरकार का घेराव किया। जारी किए गए इस वीडियो में ये घटना मंगलवार की दिखाई गई है। किसान खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच किसानों को समझाने और जाम छुड़ाने गए दरोगा पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उस पर लाठी से हमला कर दिया गया, जिसको लेकर ही तेजस्वी ने कहा कि बिहार में खाद की भारी किल्लत के चलते किसान आक्रोशित है। वीडियो डबल इंजनधारी सरकार के ट्रबलकारी मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा की है। नीतीश सरकार के में हर कोई त्रस्त ही है। रामविलास पासवान के पैतृक गांव शहर बन्नी पहुंचे चिराग पासवान। अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर जमुई सांसद चिराग पासवान खगड़िया से पैतृक गांव शहर बन्नी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले रामविलास पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद वो अपनी बड़ी माँ राजकुमारी देवी के पास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी बड़ी माँ का आशीर्वाद भी लिया। वहीं राजकुमारी देवी ने उन्हें सीने से लगा लिया, जिसको देखकर वहां मौजूद लोग काफी ज्यादा भावुक भी नजर आए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन शहर बन्नी में रामविलास पासवान की बरसी पर भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर बन्नी सहित आसपास के गांव में 5,000 से ज्यादा लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। राजद ने भाजपा जदयू पर लगाया साजिश का आरोप। राजद ने भाजपा और जदयू पर बीते दिन खूब बयानबाजी की, जिसके तहत राजद ने भाजपा और जदयू पर साजिश करने का आरोप लगाया है। इस बाबत पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने रघुवंश प्रसाद सिंह की आखिरी इच्छा को लेकर सत्ताधारी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक साल बाद भी रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन उनके लिखे पत्र को राजद से इस्तीफा साबित करने की साजिश भाजपा और जदयू ने जरूर की। पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया है कि रघुवंश बाबू ने अपनी जान गंवाने को नजदीक देख लिया था। लालू यादव को ऐसा पत्र उन्होंने इस वजह से ही लिखा था। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और जदयू सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारी को 2008 में विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश किए जाने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को 2009 में ब्रिटिश पुरस्कार मिला। भूटान ने 2003 में भारतीय हितों के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल नहीं होने देने का आश्वासन दिया। स्वतंत्रता सेनानी बलवंत सिंह का जन्म 1882 में आज के दिन हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का जन्म 1968 में आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर तथा वर्ष 1936 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रत्युक कुलपति ज्वाला प्रसाद का निधन 1944 में आज के दिन हुआ था। आईसीसी T20 रैंकिंग में विराट कोहली को मिला फायदा। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 3 मैचों का T20 इंटरनेशनल सीरीज खत्म होने के बाद ताजा जारी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक को फायदा मिला है। डीकॉक अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग 8वें पायदान पर पहुंच गए हैं। यह सीरीज दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से अपने नाम की। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली 4थे पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि केएल राहुल 6ठे पायदान पर बने हुए हैं। भारत की तरफ से यही दो बल्लेबाज टॉप 10 T20 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल है। आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,540 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,740 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अभिषेक कुमार, रिया वर्मा, सिद्धार्थ कुमार, दीपक कुमार, ओमकार सिंह, विकास कुमार सिंह, अखिलेश यादव, रामचंद्र पासवान, अनिल यादव, दिव्यांशु कुमारी, पवन कुमार, मोहम्मद ताहिर, मनोज कुमार, कुंदन सर, जगन्नाथ महतो, नीतीश कुमार, अमन कुमार, अशोक ठाकुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जिसको और ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।